कुछ लोग मुझे पर्सनली पूछ रहे थे कि तुम्हें ये हर रोज़ ये वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों यूट्यूब पे डालते हो। तो ये आंसर उन लोगों के लिए है। तो पहले के ज़माने में कुछ लोग अपनी दिनचर्या मीन्स हर रोज़ क्या करते हैं वो अपनी डायरी में लिखते थे, तो मैं वही काम मैं अपनी कॉफ़ी बना रहा हूँ राइट नाउ 9:30 इन द मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गया था मगर ब्लॉग एडिट नहीं किया था, इसके वजह से पहले 7 बजे से 8 बजे ब्लॉग एडिट किया, फिर नहाने का, फिर ब्लॉग अपलोड पर रख के आया हूँ वहाँ पर और अपनी कॉफ़ी बना रहा हूँ। यह है चीकू का फ्रेश जूस जो अभी मैंने आधे घंटे पहले बना के फ्रीज़र में रखा था, एक बार तो पी लिया और दूसरी बार पी रहा हूँ। आज मैंने एक मिनट आया, आज मैंने फास्ट किया है इसकी वजह से मैं चीकू का जूस पीने वाला हूँ और ये सब फटाफट साफ कर लेता हूँ। 1 मिनट, अब तो पूरे देसी इंडियन है, ऐसे करके ही खाना पड़ता है, असली स्वाद इसमें आता है। आई लव इट। अगर आप पक्की इंडियन हो गए तो ये ज़रूर किया होगा, मैं तो एवरीडे करता हूँ। तो बेसिकली अभी जिम जाने का टाइम हो गया है और एवरीडे रूटीन की तरह मैं आज जो प्री वर्कआउट क्रिएटिन पीने वाला हूँ वो आज नहीं पीऊँगा, बिकॉज तो अभी मैंने चीकू का जूस पिया आधे घंटे पहले, तो इसकी वजह से अभी मैं क्रिएटिन नहीं पीने वाला, बिकॉज थोड़े कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा मैंने डाल दी बॉडी में, तो अभी कैलोरीज बर्न नहीं हुई है, तो इसकी वजह से मैं अभी क्रिएटिन नहीं लेने वाला हूँ आज। जिम में आते ही जो इक्विपमेंट देख के बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है वर्कआउट करने की, वो आज फीलिंग आई और तगड़ा वाला वर्कआउट किया आज, और अभी भी वर्कआउट का 3 एक्सरसाइज बाकी है, चेस्ट लग रहा हूँ आज और चेस्ट के साथ शोल्डर भी लग रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वाला वर्कआउट था। वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था मगर इक्विपमेंट देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आई और वर्कआउट करने का अच्छा मन किया, तो बहुत ही अच्छा और हैवी वेट वर्कआउट किया तो बहुत अच्छा लगा। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा कॉपीराइट सॉन्ग बज रहा है, इसकी वजह से थोड़े ज़ोर से बात कर रहा हूँ मैं। जस्ट अपना मीन्स मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ और बहुत ही अच्छा वाला तगड़ा वाला वर्कआउट हुआ है चेस्ट और शोल्डर का, और आज ओट्स नहीं खाने वाला बिकॉज आज मेरा फास्ट है, मे बी मैं मंदिर भी जाऊंगा। तो जस्ट अभी जिम से आया हूँ और बहुत ही भूख लगी है मगर आज मैंने फास्ट किया है, तो पता नहीं पीनट बटर खा पाऊँगा कि नहीं, पहले मम्मी को फ़ोन करके पूछ लूँगा कि पीनट बटर फास्ट में खाया जाता है या नहीं। खजूर तो बल्कि खाया जाता है इसके वजह से, इसकी वजह से नहीं खजूर बल्कि खाऊंगा आज, तो बहुत भूख लगी है मुझे और पीनट बटर का पहले पूछ लेता हूँ, ये तो फिर फास्ट टूट जाएगा। हाँ तो मैंने मम्मी को कॉल करके पूछ लिया कि पीनट बटर खा सकते हैं, तो मम्मी ने कहा कि खा सकते हैं, तो जल्दी से मैं अपना पीनट बटर खाता हूँ बिकॉज अभी देर हो गई, वॉलीबॉल खेलने जाना था। वैसे तो फिंगर में अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा है मगर कल जितना पेन हो रहा था आज इतना नहीं हो रहा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं करने वाला हूँ मैं, अभी कल का भी दिन जो पूरा वो इस वीडियो में आगे आएगा, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो उस फ्रेम के बाद क्या हुआ कि
मैं जा रहा था सोने और मन किया बाहर जाने का, तो फटाफट से बाहर गया। रात को 11:30 बजे के आसपास आया, 12:30 बजे सोया और अभी सुबह थोड़ा लेट हो गया, करीबन 8:15 बजे में उठा और ज़्यादा ही लेट हो गया। राइट नाउ 8:30 हो गए हैं, तो फटाफट से फ्रेश होता हूँ और दिन की शुरुआत करता हूँ। कुछ लोग मुझे पर्सनली पूछ रहे थे कि तुम ये हर रोज़ ये वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों यूट्यूब पे डालते हो, तो ये आंसर उन लोगों के लिए है। तो पहले के ज़माने में कुछ लोग अपनी दिनचर्या मीन्स हर रोज़ क्या करते हैं वो अपनी डायरी में लिखते थे, तो मैं वही काम वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ। लिखना मुझे पसंद नहीं, इसकी वजह से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, बिकॉज वीडियो शूट करना मुझे बहुत पसंद है। इसकी वजह से मैं अपना डेली रूटीन लिखने के बजाय वीडियो शूट करता हूँ, और वही डिक्शनरी मीन्स डिक्शनरी होती है वो यूट्यूब मेरी डिक्शनरी है, और उसमें मैं लिखता हूँ हर रोज़। सेम जो लोग लिखते थे वो वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी मैं काम से बाहर जा रहा था, बाहर धूप देख रहे हो, 33 डिग्री सेल्सियस धूप मीन्स टेम्परेचर, और धूप तो इतनी ज़्यादा है कि हाथ में चटके लग रहे हैं, बहुत ही गर्मी। अभी तो स्टार्ट हुई है गर्मी, पता नहीं आगे जाके कितनी गर्मी हो जाएगी। जस्ट अभी जिम ख़त्म करके आया हूँ और मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मुझे। तो इस व्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, बिकॉज मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मिलता हूँ होपफुली अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्टाइलिश। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आओ जो फटाफट से कुछ खाता हूँ, पहले तो अपना हर रोज का पीनट बटर, और साथ में खाऊंगा खजूर। खजूर ये रहा मेरा खजूर। और फटाफट से जाता हूँ सोने के लिए, बिकॉज अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैंने पहले ही बताया। और उसके साथ साथ ये वीडियो भी एडिट कर लूँगा फटाफट, और जल्दी से रात को भी डिनर करके सो जाऊँगा। Bye-bye.